हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं देवकदेव महादेव के दर्शन। जौनपुर में एक बहुत ही फेमस और बहुत ही धार्मिक स्थल केराकत के अंतर्गत आता है, जो घुमतेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। आज उनके दर्शन करने के लिए, और ये आप देख सकते हैं मेन गेट और ये केराकत और उदय चेपुन का पुर का रोड, ये जो है मेन गेट है घुमतेश्वर महादेव का। यहाँ से आप अंदर प्रांगण में जा सकते हैं। देखिए शिखर वहाँ पे दिखता हुआ घुमतेश्वर महादेव का, ये मेन गेट और ये उदयचैनपुर और ये केराकत बाजार की वाला रोड। आइए हम आपको चलते हैं घुमतेश्वर महादेव के दर्शन कराते हैं। धन्यवाद आपका दोस्तों। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में केराकत तहसील के अंतर्गत आने वाले घुमतेश्वर महादेव के दर्शन करने, और काफ़ी प्रसिद्ध और बहुत ही धार्मिक महत्व रखने वाला ये घुमतेश्वर महादेव का मंदिर। आज हमारे साथ पुजारी जी हैं। आज आइए हम इनसे जानते हैं। पुजारी जी प्रणाम। पुजारी जी, इस मंदिर की महानता क्या है, मंदिर का इतिहास क्या है, आप जरा हमें हमारे देखने वाले भक्तों को थोड़ा बताइए, बारे में हमें बताइए। जैसे कि यहाँ पे जैसे कौन से कार्य हैं जो आप चाहते हैं कि अभी हो, जैसे सरकार हो गए या भक्तगण जिनकी श्रद्धा है मंदिर की तरफ से, वो क्या करवा मंदिर के साइड में जो जगह बची है राउंड है। जी जी जी, वो बिल्कुल ईटा लग जाए जी, सीमेंट का जी, सीमेंटेड हो जाए जी, नीचे पीपल के नीचे नारायणी की पूजा करने के लिए रूम हो जाए जी जी, हॉल जी, यही सब चाहिए जी 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 जी। और जैसे धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पे बराबर होते रहते हैं सभी भक्तगण, ठीक है यहाँ जी 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 जी। और जैसे मंदिर में मतलब ट्रस्ट चलता है, मंदिर भी कुछ अपनी तरफ से, जैसे अनाथ बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, जो असहाय हैं उनकी उनके लिए मदद के लिए तैयार रहता है विशेष तौर पे। इस मंदिर की ट्रस्टी क्या कौन है? जी 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 जी, ठीक है ठीक है। ये हम थे हमारे साथ महाराज जी, गिरी महाराज जी, जो घुमतेश्वर महादेव के मुख्य पुजारी हैं। और ये आप देख सकते हैं घुमतेश्वर महादेव का विशाल शिवलिंग, और यहाँ पे नंदी जी विराज करते हुए। हम भी आप सबकी तरह से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान घुमतेश्वर महादेव पूरे विश्व में शांति बनाए रखें और आप सभी का कल्याण करें। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम आए हैं घुमतेश्वर महादेव के दर्शन करने, और आप देख सकते हैं ये घुमतेश्वर महादेव का विशेष प्रांगण। और इस तरफ यदि हम देखें तो यहाँ पे माँ दुर्गा का मंदिर बना हुआ है, शक्ति माँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप दुर्गा देवी, अभी मंदिर बंद है। और यहाँ पे पवन पुत्र हनुमान जी, वीर बजरंगी का मंदिर। और इस तरफ यदि हम देखें तो यहाँ पे विश्व निर्माता भगवान विश्वकर्मा जी का मंदिर बना है। और यहाँ पे घुमतेश्वर महादेव का ये मंदिर विशेष प्रांगण और काफ़ी दिव्य महत्व रखने वाला और बहुत ही दिव्य भव्य। यदि मंदिर को देखें तो गोमती नदी के तट पर ये मंदिर बसा हुआ है। आइए हम जानते हैं पुजारी जी से कि मंदिर के निर्माता कौन है और कहाँ पे कब हुआ था मंदिर के निर्माण। पुजारी जी, मंदिर के बने हुए मंदिर हुआ अब उधर लिखा हुआ था बटवा पर लिखा है। हाँ वो नहीं का नाम दमन यादव ना। हाँ। चौधरी। अच्छा अच्छा। और ये विश्वकर्मा जी का सोमनाथ का न्यू डाला था। अच्छा, सोमनाथ जी का। अच्छा अच्छा। हनुमान जी का मंदिर है वो गोपाल दास वाला। हाँ। और वो मंदिर है। हाँ। राजदेव बनावले है। दुर्गा जी, दुर्गा जी का। और ये बजरंग बली का है। हनुमान जी का। हनुमान जी का गोपाल। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये मंदिर का महानता का, यहाँ शादी विवाह कार्यक्रम का होला, गोमेश्वर महादेव के नाम से शादी विवाह सब कुछ होला। और मतलब यहाँ मेला वाला लगा ला क्या? आप मेला तो जैसे तेरस का है। अच्छा अच्छा। और हर तेरस के ना है शिवरात्रि में वाली के। अच्छा अच्छा।
और यहाँ मतलब भक्तगण विशेष करके कौनो दिन पे आवन, सोमवार के या जैसे शिवरात्रि में भल? हाँ, जनता आवे, जनता आ आओ मंडप गांव वाले अपन बड़ा देहात वाले। अच्छा अच्छा, जल चढ़ावा आवे। अच्छा अच्छा, मंदिर का महानता अगर आप बता सकें तो, मतलब बहुत, मतलब जैसे कहाल कल की बहुत महान हुआ, बहुत भुवनेश्वर महादेव के नाम से महान बनल। अच्छा अच्छा, नाम का, नाम के पीछे कुछ कारण है इनके, गोमतेश्वर नाम, जैसे गोमती नदी के तट पर ये गोमतेश्वर महादेव हुआ, तो मतलब उनके नाम से इनका नाम गोमतेश्वर महादेव। अच्छा, गोमेश्वर था उसके नाम पे गोमतेश्वर महादेव हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, गोमती किनारे हुए थे गोमेश्वर महादेव। अच्छा, गोमेश्वर महादेव। अच्छा अच्छा, यहाँ पे पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान सब, रामायण पाठ सब सभी होता है यहाँ पे ना कार्यक्रम? अच्छा अच्छा, ठीक है दोस्तों, ये देखिए पुजारी जी हमें बता रहे थे मंदिर की जो धार्मिक मान्यता है उसके बारे में। अच्छा अच्छा, वो ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।